हेलो व्यूवर, सीएम कॉलेज दरभंगा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर खबर सबसे पहले आप। मंडलीकरण के बाद यह सच सामने आया कि हमारे विश्वविद्यालयों में या महाविद्यालयों में जो ट्रेडिशनल कोर्स चल रहे हैं उसके अलावा भी सर्टिफिकेट्स, डिप्लोमा कोर्स चलाए जाएं ताकि छात्र अपनी रुचि के अनुसार अपने ट्रेडिशनल डिग्री कोर्स जो उनके हैं 3 वर्षीय या 4 वर्षीय उसके साथ साथ एड ऑन कोर्स जो है वो ले सकें। सीएम कॉलेज दरभंगा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का एक ऐतिहासिक महाविद्यालय है। यह कॉलेज पूर्व से ही इस तरह का कार्य करता रहा है। आज इस संबंध में इसकी एक बैठक हुई है और सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि हमारे यहाँ जो 6 सर्टिफिकेट कोर्स हैं उन्हें किस तरह और भी रुचिकर और स्किल डेवलपमेंट के तौर पर इस कोर्स के अंदर क्या कमियां हैं उसको दूर करते हुए छात्रों का नामांकन लिया जाए। निर्णय के अनुसार 15 सितंबर से 30 सितंबर तक इसमें नामांकन लिए जाएंगे। प्रत्येक कोर्स में 40 सीटें हैं। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में पंजीकृत पूर्व से छात्र जो होंगे उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। खास करके हमारे कॉलेज में जो छात्र पढ़ रहे हैं वो चाहे वाणिज्य संकाय के हों, कला संकाय के हों, दूसरे कॉलेजों के भी छात्र किसी भी संकाय के हों वो हमारे यहाँ आकर के नामांकन ले सकते हैं। कॉमर्स के छात्रों के लिए भी, कला के छात्रों के लिए भी और विज्ञान के छात्रों के लिए भी ये सर्टिफिकेट कोर्स बहुत ही उपयोगी है। अगर वो इन कोर्सों में नामांकन लेते हैं और उसे पूरा करते हैं तो आज के युग में जहां हर तरफ एक्सपर्टीज की तलाश हो रही है, उसमें एक्सलेंसी की तलाश हो रही है, उसमें उनको लाभ मिलेगा और हमारे छात्र इन सर्टिफिकेटों के आधार पर रोजगार के क्षेत्र में जब जाएंगे तो उन्हें ये सहायक सिद्ध हो सकता है। इसके लिए हमारे जो विभिन्न कोऑर्डिनेटर्स हैं, प्रोफेसर आशीष बरियार साहब हैं, राठौर साहब हैं, हमारे तनिमा जी हैं, ललित शर्मा जी हैं, वीरेंद्र जी हैं जो कि लाइब्रेरियन हमारे यहाँ हैं, वो लाइब्रेरी साइंस बरसों से चला रहे हैं। उसी तरीके से चौरसिया जी हमारे मार्गदर्शक के तौर पे आप काम करेंगे, पहले यहाँ रहे हैं अब विश्वविद्यालय चले गए हैं, वो भी अपना सहयोग देने के लिए आए हैं, अच्छी बात है। और यह नामांकन जो है नामांकन पटल पे होता है। कार्यालय में हमारे जो सहायक हैं प्रतुल जी हैं, सृष्टि जी हैं, या जो छात्र चाहें तो हर वक्त जो हमारे विपिन कुमार सिंह बड़ा बाबू हैं उनके पास फॉर्म रहता है या काउंटर से लेकर के। और प्रत्येक कोर्स में अलग अलग एक कोर्स के लिए 6,000 रुपया कुल शुल्क है। इसके अलावा परीक्षा के समय में, परीक्षा प्रपत्र भरने के समय भी मामूली पैसे लगते हैं, वो परीक्षा शुल्क अलग से है, लेकिन इस कोर्स के की जो पूरी फीस है शुल्क है वो 6,000 रुपये प्रति कोर्स है। छात्र के लिए यह सुनहरा अवसर है कि वो अपने बीए या कोई एमए छात्र कर रहे हों, एमए कर रहे हों, बीए कर रहे हों, बीकॉम कर रहे हों, एमकॉम कर रहे हों, वो उनके साथ साथ इस कोर्सों में भी नामांकन ले सकते हैं। उनके लिए यह सुनहरा अवसर है। आप ये कर रहे हैं कि हमारे यहाँ जर्नलिज्म में वो लड़का चाहे तो एट ए टाइम दूसरे भी ले सकता है, एक ही वक्त में ऐसा नहीं है कि एक ही कोर्स कर सकता है। मिसाल के तौर पर एन कॉलेज में कम से कम 40 इस तरह के कोर्सेज चल रहे हैं पटना में, बिहार में, और उसका कारण ये है
एक बच्चा एट ए टाइम 3 से 4 वो करता है। फर्क वहाँ सिस्टम ये क्यों है, क्योंकि मैं गया हूँ साई जी उसमें तो वो है क्या वहाँ कि उसके क्लास का समय जो है वो अलग अलग है। दूसरी चीज इसमें भी ये ख्याल रखना है कि मेन स्ट्रीम का जो ट्रेडिशनल कोर्स हमारा है जैसे कॉमर्स का 7 से लेकर के 12 बजे तक, इस बीच में ये सिर्फ नहीं होगा। कॉमर्स या फॉरेन जो आप कॉमर्स से संबंधित बच्चे उसमें लेंगे या दूसरे, तो उसमें वो समय नहीं होगा, उस समय के बाद आपको रखना पड़ेगा, ठीक है ना। उसी तरीके से आप भी लाइब्रेरी में रखिएगा तो हमारा जो वो टाइम है वो नहीं रखिएगा, जो टाइम ये है सर्किल है, तो आपके लिए दिक्कत ये होगी कि 7 बजे से लेकर 2 बजे तक उसका है। कॉमर्स का भी लड़का तो लाइब्रेरी में ले सकता है, सब में ले सकता है। तो हम लोग टाइमिंग ट्रेन जो करें इसके लिए वो ये रखें कि हमारा जो मेन रूटीन है मेन स्ट्रीम की क्लास उसके बाद करें, क्योंकि पहले पॉसिबिलिटी नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है कि कॉमर्स का अगर पहले रखिएगा 6 बजे से आप आके ले नहीं सकते हैं तो खाना पूरी हो जाएगा। हाँ नहीं देखना, हाँ इसीलिए इस क्लास को ऑन पेपर आप ऐसे पढ़ाने के लिए जो रखिए, लेकिन ऑन पेपर हमेशा रेगुलर क्लास के साथ क्लैश नहीं करना, क्लैश नहीं करना चाहिए। एक रूटीन आपके मिला नहीं बनाना पड़ेगा, नहीं बनेगा वो बनेगा वो करना पड़ेगा। दूसरी चीज तीसरी चीज आप हमें भी क्लियर रहना है कि जो टीचर हम इसलिए रूटीन अलग बनेगी कि हमारे टीचर अपने भी तो उसमें क्लास लेते हैं, तो अगर अपने उस रूटीन में 5 घंटे वाले में लेंगे वो इलीगल होगा। हाँ फाइनेंशियल वो फाइनेंशियल इसमें आ जाएगा, वो गलत हो जाएगा कि भाई आप एक बार में एक ही दो दो ट्यूटोरियल ले रहे हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि हमारे यहाँ जो क्लास की मेन रूटीन है वो 2:30 से 2 बजे तक है, उसके बाद उसका रूटीन फॉर्मेट कर लेना आपको अपने और अलग अलग करना है, आपको अपने तौर पर करना है, तरह करना है जो बच्चे इसके लेंगे। जैसे अभी देखा मैंने कि वो संस्कृत का जो भाषण चल रहा था कम भाषण पूजा की बात 3 बजे तक चल रहा था, अच्छे बच्चे सब चल रहे थे, हो गया ना समाप्त नहीं अभी है, बोलो तो बड़ी संख्या में लगते थे उसमें। अभी सर कोर्स में नामांकन लेने में कुछ चीज हो जाएगा इसलिए उसको पूरा मोबिलाइज भी करना होगा, मोटिवेशन ये सारी चीजें होती है मोटिवेशन, आप उसको मोटिवेट करेंगे कि इसकी अहमियत क्या है, इसका क्या तुमको लाभ मिलेगा। उसकी चीज ये है कि बच्चे समझते हैं अरे 6,000 रुपया मेरा लग रहा है, हमारे यहाँ भी चलती है, लेकिन अब ये सहूलत ये है कि वो उसको तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से ये पैसा वापस हो जाएगा, अब तो तमाम तर कोर्स उसके पैसे। इसलिए ये भी बात कहें कि तुम जो 6,000 रुपया लोगे वो तुमको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से एडमिशन वाला इसके साथ लगा देगा, फिर उसको मिल जाए कि आप सभी वोकेशनल कोर्स के लिए उसने पैसा दे दिया सरकार, बीएड वगैरह जितना चीज है हाँ सब का चैनल खोल दिया उसने। अब 4 लाख रुपए तक की फीस किसी को लगती है सालाना, तो वो गवर्नमेंट दे देती है, उसमें महीना 2 महीने उसको पैसा शेड्यूल कास्ट